Yo, what's up guys? Welcome back to another vlog. आपको पता है वीडियो नहीं आया. वीडियो क्यों नहीं आया? एक्चुअली मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि पता नहीं क्यों मैं कोई भी फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं ले पा रहा था, और ना ही तो मेरे पास जो वीडियो था उसको मैं अपलोड या कुछ कर पा रहा था. यूट्यूब की कोई गलती नहीं था, मेरे फ़ोन का ही कुछ तो बग था, कुछ सॉफ्टवेयर बग था, और इसीलिए वो वीडियो मेरे को डिलीट करना पड़ा. आई मीन मेरा पूरा कपड़ा, मेरा फ़ोन ही फॉर्मेट हो चुका है और वो वीडियो भी. हाँ, तो यही रीज़न है. और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे फ़ोन से, मैं शूट कर रहा हूँ मेरे फ़ोन से, लेकिन इस वीडियो में कुछ स्पेशल चीज़ भी है. देखोगे? देखो, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ स्पेशल चीज़. इसका मुझे कैमरा शिफ्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड जाओ. तो वो स्पेशल चीज़ है DJI OM4. कैसा है भाई, वो तो बताओ. अरे भाई, सीधा रह जा. ये मत समझना कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको मेरे को भी कंट्रोल करना नहीं आता इतना. ये इस साइड में देखो, मेरे को इसको कंट्रोल करना नहीं आता अभी तक. बाकी और तो सब कुछ बढ़िया है इसमें, जहाँ तक मुझको लग रहा है. और बाकी सब बातें बाद में, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, Q&A के लिए तो अभी वापस से सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो तो सारे के सारे वापस लेने पड़ेंगे. अब क्या करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो मैंने एक आइडिया निकाला है, मैं Q&A के क्वेश्चंस पूछूंगा, वो क्वेश्चंस लूँगा और तब तक होम टूर का वीडियो बनाऊँगा. ये भी ना बात. अभी मैंने एक्टिव ट्रैक ऑन करके रखा है, देखो दिख रहा है अच्छे से, ग्रीन लाइन है, वो एक्टिव ट्रैक है. तो ये वीडियो होने वाला है मेरा क्वारंटाइन का पूरा का पूरा होम रूटीन. मैं अभी मुंबई में हूँ, मैं 3 दिन पहले मुंबई आया था, लेकिन वापस मेरे को जाना भी है सूरत. मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एटलीस्ट. अभी बजे सुबह के 7:20, मेरे अभी ट्यूशन से 10 मिनट में, तो बाद में मिलता है. और मेरा बेड दिखाता हूँ कैसा हो चुका है. ये देखो भाई साहब, ये हो चुका है मेरा बेड. इतना ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, ये कवर है क्योंकि मैंने अभी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए. बाकी एयरपॉड्स अपने ईयरफोन्स है, ये अपना गिम्बल का बैग है, ये उसका ट्राइपॉड है या नीचे लगाने का यहाँ पे. और बाकी ये मेरा टैब है जो कि आईपैड नहीं है, जो कि आईपैड जैसा लगता है लेकिन आईपैड नहीं है. वैसे खैर, और मैं क्या बता रहा था कि कैसा है इस वीडियो के स्टेबलाइजेशन कैसी, सीरियसली बताना. अच्छी है हर में ऐसे. और ये जॉयस्टिक है, इतना है भाई. तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पीस. ओके, ट्यूशन हो चुके ख़त्म और अभी मैं फ्री हूँ थोड़े टाइम के लिए. और बाकी मैं तुम लोग को मेरे बिल्डिंग का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ. एक सेकंड में तुम लोग को मेरा जो कैमरा है उसको फ्लिप करके दिखाता हूँ ना. ये किया और ये देखो भाई साहब, दिख रहा है, इसको खोलता हूँ मैं इसको विंडो के बाहर नहीं डालने वाला, कुछ डर लगता है भाई फ़ोन से. मैग्नेट है जैसा भी है. ये है मेरी बिल्डिंग का कुछ नज़ारा अभी के लिए. और बाकी तो क्या ही चल रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं चल रहा है इसके लिए. ओके, बाकी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, बाकी सब मज़े में है, मज़े में. और एक बात मैं बता देता हूँ सब लोग को. ओके, ऐसे नहीं, सीरियसली बताता हूँ, ठीक है. ओके, मैं नहा के वापस आ गया और अभी प्लान चेंज है. तो मैं नॉर्मली मैं जब व्लॉग करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार
मेरा डी जे आई OM4 यूज़ करूँगा, नहीं वो मैं कब यूज़ करूँगा, जब मैं बिल्डिंग के नीचे उतरूँगा तब, लेकिन तब तक घर में जब तक हूँ मैं तब तक अपना ये चीज़ जिंदाबाद। मेरे को मालूम है तुम लोग स्टेबलाइजेशन की कंप्लेंट करोगे, लेकिन इस समय कुछ बुरी नहीं है स्टेबलाइजेशन, एक सेकंड लिखा है टैब, तो इसमें भी कुछ बुरी नहीं है भाई स्टेबलाइजेशन, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ओके स्टेबलाइजेशन बुरी है, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैंने जैसे इसको ऐसा किया, ये मैं दिखा दो एक सेकंड, मैंने जैसे इसको ये पैन किया, ये देखो फ़ोन पूरा का पूरा टेढ़ा, ये देखो फ़ोन देखो पूरा का पूरा टेढ़ा हो चुका। ऐसे कैसे करूँगा मैं व्लॉग, ऐसे कैसे, प्लान में हल्का सा चेंज, घर में सुपर सिर्फ ये वाला कैमरा यूज़ करूँगा विथ सम अदर ट्राइपॉड, ठीक है विथ सम अदर ट्राइपॉड, ये नहीं कुछ अदर कुछ और। लेकिन जब मैं बाहर जाऊँगा विच मीन्स कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे खेलने भी जाऊँगा तो भी मैं अपना डी जे आई OM4 ही यूज़ करूँगा। अब आई होप सब लोग समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे यार तुम लोग, तो फिर अभी देर किस बात की है, थोड़ा तैयार भी और हो जाता हूँ क्योंकि अभी ये देखो भाई ना कि जस्ट आया हूँ मैं, और मैं जैसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर रहा था, उन लोग बाद में बात करते हैं थोड़ी देर के बाद, ओके तब तक के लिए पीस। ये देखो ये है कुछ व्यू, कैसा है भाई व्यू सीरियसली बताना कैसा है। हाँ आगे बिल्डिंग है वो बात अलग है, लेकिन व्यू कैसा है। वैसे मैं तुम लोग को मेरे सामने वाली बिल्डिंग दिखाऊँ क्या, तुम लोग आ मत जाना बस मेरे घर पे, मैं तुम लोग को बिल्डिंग का नाम वाम सब दिखाता हूँ, ठीक है तुम लोग आ मत जाना भाई आ मत जाना, मतलब ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग से दिखता है बस, मतलब समझे दया। और ये दूसरा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से तुम लोग को दिखाता हूँ। हाँ NL हिमालया, समझ गए तुम लोग बिल्डिंग का नाम। बाकी सब लोग कैसे फ्रेंड्स, जब है ना इम्पोर्टेंट बात बाद में करेंगे। वैसे एक चीज़ नोटिस किया मैंने, दरवाज़ा बंद किया क्योंकि इम्पोर्टेंट बात के लिए मेरे को अकेला रहना पड़ता है। ओके तो जो टाइम है वो है अभी कुछ 3 o'clock, मैं अभी देख रहा था स्कैब 1992 दहशत माता स्टोरी और मज़ा आ रहा था। मैंने एक एपिसोड कंप्लीट कर लिया है, बाकी के 9 episodes अभी बाकी है, उसके बारे में देखते हैं उसको क्या करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा देर होमवर्क कर रहा था, थोड़े टाइम आधे घंटे के लिए मैं कुछ कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा नीचे मेरे के बल्ले की। आज हम लोग खेलने वाले हैं कोस्ट कोड ग्रेवयार्ड, नहीं नहीं गुरु नाक बंदा, कोरोना नहीं है टेंशन मत लो, कोरोना नहीं है। हाँ तो मैं आज हम लोग नीचे खेलने वाले हैं कोस्ट कोड ग्रेवयार्ड, बहुत सारे लोग हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मैंने उसका नाम पहले बताया कि मैं नहीं बता, आज बता देता हूँ। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है पंकज और देव, ये मेरे 2 best friends हैं, और भी वैसे तो सभी फ्रेंड्स हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, इतने हम लोग बहुत सारे हैं लेकिन समझ जाओ मतलब। तो इसीलिए आज मैं नीचे मेरा गिम्बल लेके जाऊँगा और आज तो मज़ा आएगा, आज हम कोस्ट कोड ग्रेवयार्ड खेलेंगे, इसमें मेरे को छुपना है, ठीक है तो गिम्बल कुछ परेशान नहीं करेगा शायद, देखते हैं। तो गिम्बल तो खाली हाथ में पकड़ना है ना भाई, ऐसे नहीं चाहिए तो पॉकेट में डाल लेना ईजी है, मेरे फ़ोन में चार्जिंग बहुत कम है, तो चलो भाई भाई। और मैं जब मैं नीचे जाऊँगा तो फिर ना मैं जब मैं नीचे जाऊँगा तो मैं ये लगा के जाऊँगा ट्राइपॉड, कहीं भी मेरे को फ़ोन को स्टैंड करना पड़े तो काम आया ना बिक रहे। तो तब तक के लिए भाई मैं अभी मैंने एक्टिव ट्रैक ऑन करके रखा है, इसलिए मेरे को फॉलो कर रहे हैं मेरे को फॉलो नहीं करता भाई, ठीक है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ओनली एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज हर एक चीज़ के होते हैं भाई। अभी अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे, मेरा अभी फ़ोन आड़ा हो चुका है, आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो
गेट एक्टिव ट्रैक ऑफ। ओके एक्टिव ट्रैक ऑफ हो चुका है। और मैं अभी क्या बता रहा था तुम लोगों को कि मैंने अभी ट्राईपॉड लगाया है, ये हमारा ट्राईपॉड जो है वो लग गया कि हो गया एक्टिव ट्रैक ऑन। और अब देखा ये होता है फर्क, मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तारीफ किया तो वाट लगाएगा तू मेरी इधर। हाँ तारीफ किया मैंने, मैं जरा चुपचाप बैठने का फिर मेरे को कैमरा के बाहर लिया है देखो इसको। हाँ अभी तक का मेरा इसका रिव्यू होगा 10 में से 8, 2 मार्क्स मैं काटूँगा क्योंकि कैसे दिखाओ चलो बाद में बताता हूँ मैं। एक होता है ट्राईपॉड, ट्राईपॉड जब आप फिक्स करते हो बाद में जब आप निकालते हो ना तो उसका जो कुछ रहता है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो रहता है वो कुशन जैसा कुछ जो फटने लगता है थोड़ा सा वो, तो उसको कोई बात नहीं है वैसे कुछ होता नहीं इतना। लेकिन मैग्नेट, मैग्नेट के साथ आप कवर नहीं लगा सकते क्यों टीचर, क्यों कवर के साथ लगाने दिया होता भाई। मैंने भी मैग्नेटिक जो है ये देखो मैंने भी ये रिंग वाला लगाया है इसका मतलब, अरे इधर घूमता भाई थोड़ा सा लड़ा, इसका मतलब कि मेरे को वो कवर के बिना लगाना पड़ा। तुम लोग को ऐसे नहीं दिखेगा, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो ये दिख रहा है तुम लोग को, अभी तो मैंने कवर के साथ लगाया, मैंने उसका एक जुगाड़ ढूंढा था लेकिन वो काम नहीं करता, निकल जाता है फ़ोन इजी में, उनको डर लगता है इसमें ठीक है। और ये ट्राईपॉड है ये जिसको मैं हमेशा यू व्लॉग करता हूँ लेकिन कभी कभी यू भी व्लॉग मैं कर लेता हूँ और इसको मैं खोलूँगा अगर तो फिर ये रह सकता, देखो कहीं पर भी इजीली कहीं पर भी रह गया जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहीं पर भी अब फोकस कर सकता हूँ, मैंने अभी लैपटॉप पे एक्टिव ट्रैक ऑन किया है तो मैं कहीं पर भी जाऊँ तो उसी पे रहेगा कैमरा मेरा। तो मेरा ओवरऑल रिव्यू मैं बोला 7। और ऐसा नहीं है भाई कि मैंने बॉक्स नहीं लिया, मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं इस चीज़ का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाना चाहिए मेरे को। इसका बॉक्स भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखो ये दिख रहा है, देखो ये रहा, मैंने ये ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, ये रहा उसका बॉक्स। तुम लोग एक बार खोल के दिखा देता हूँ, तो ये रहा उसका क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट्स, इसके अंदर ये रिंग होल्डर था और ये स्ट्रैप है जो मैं नहीं यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, तो फ्यूचर में कभी अगर यूज़ करूँगा तो देखा जाएगा भाई। और साथ साथ अंदर ये मैग्नेटिक वाला क्लैंप है और क्लैंप के साथ ये राइजर पैड है और उसके साथ हाँ ये केबल है जो कि मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि टाइप सी बहुत सारे केबल है, बाकी तो कुछ भी नहीं, इसको भी रख देता हूँ मैं। वैसे आज ये शायद मैं आज यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं नीचे ट्राईपॉड ना लेके जाऊँ तो शायद। ये भी एकदम सिंपल है भाई लगाना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखूंगा अगर इसको लेके जाऊंगा तो बताऊंगा। इसको रख देता हूँ अंदर, इसको मैं कर देता हूँ पैक। मेरे को ना भाई जो भी चीज़ मैं लेता हूँ ना मेरे को उसका बॉक्स बनाने में लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा मतलब ऐसा क्या बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ कभी ना कभी तो ख़रीदी थी, हाँ भाई ये चीज़ हमने कभी ना कभी यूज़ की थी, ऐसा कुछ रहता है ना तो मज़ा आता है भाई। एटलीस्ट लग जा ये अंदर, अब चल आ जा बॉक्स, तेरे को तेरी जगह पे रख देता हूँ मैं। बाकी और किस चीज़ के बॉक्स है मेरे पास, तो बाकी मेरे पास एयरपॉड्स प्रो, मेरे पुराने वाले एयरपॉड, MI Band 4, MI Power Bank, नॉइस शॉट्स, और यहाँ पे ओ भाई 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 संभाल संभाल के भाई तू गिर मत। इसके नीचे एक बॉक्स है जो कि निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, लेकिन निकल गया निकल गया। हियर इट इज़, जो कि है वीवो के फ़ोन का, मजाक कर रहा हूँ, वीवो के फ़ोन का बॉक्स नहीं है ये बॉक्स है हमारे iPhone 11 Pro Max का जो कि है 256 GB वाला, मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ उसका बॉक्स है ये मैं इसको ऐसे रखता हूँ। मेरी मम्मी के पास पहले ये फ़ोन था उसका बॉक्स मैंने रखा हुआ है,
वैसे खैर और क्या है हमारे पास, तो और तो बहुत सारे बॉक्सेस है। ये है, इसको तुम लोग देख के समझ जाओगे शायद, तो मैं तुम लोगों को एक कार्ड निकाल के दिखाता हूँ। इसे कार्ड बोल तो दिया, समझ गए होंगे ना सब। ये देखो, सोने के पत्ते ये है भाई। और भाई ये रूम मेरा है इसलिए इसमें ज़्यादातर सामान मेरा रहता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो अभी बज रहे हैं कितने, इसमें टाइम शायद रॉन्ग है, 3 ही बजे अभी टाइम पता है क्या हो रहा है भाई मैं टाइम नहीं देख सकता क्या भाई इसमें। वाह भाई, मैं इसमें टाइम ही नहीं देख सकता शायद, तो मैं देख सकता हूँ टाइम हो रहा है 3:15। तो अब मैं डायरेक्ट 5-7 बजे मैं अब शायद ब्लॉक करूँगा वापस, या तो फिर देखते हैं। ठीक है, 7 बजे मैं नीचे जाने वाला हूँ खेलने, और अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, वो देखना उसके लिए मेरे को इसको कैसे रखना पड़ेगा। ऐसे ही रखता हूँ, ओके ऑफ, अभी ऑफ हो चुका है, फोन ऐसा उल्टा हो गया इसलिए तुम लोग को ये दिख रहा है, वरना ये नहीं दिखता। और अब इसको एकदम ही लॉक करने के लिए मैं पहले फ़ोन निकाल देता हूँ। हाँ, तो अब इसको एकदम ही लॉक करने के लिए मेरे को क्या करना है मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, इसको बोलते भाई गली में, ये देखो भाई एकदम ही लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली बस इसको ये हो गया भाई अपना गिम्बल लॉक, अभी हिलेगा नहीं ये, इसको आप अलग कर सकते हो वरना वरना मैं तो इसे साथ में रखता हूँ अगर मेरे को ब्लॉक करना होगा तो। अभी हम लोग अपने टाटे उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय। म्यूट कर दे। ओके हम लोग हम लोग अभी खेल रहे हैं, स्टॉप एंड पार्टी में छुपाऊँ। ओके वो देखो भाई डाइनर अपना सामने है, लेकिन मैं छुपा हुआ हूँ, मेरे साथ और कोई थी नहीं है छुपा। ओके मैं अभी भी छुपा हुआ हूँ। ओके मैं थोड़ा सा भाग रहा हूँ, देखो वो रहा डाइनर, अगर दिख रहा है तो वहाँ सामने है डाइनर, उस साइड पे चला गया। ओके देखते देखते आराम से चला गया। ओके ओके मैं आउट हो गया, मेरे को आउट कर दिया। मेरे को मालता है व्लॉग बराबर नहीं हो रहा है, और व्लॉग इसलिए बराबर नहीं हो रहा क्योंकि मैं खेल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। तो बस भाई आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और अभी अगला दिन हो चुका है और अभी बज रहे हैं अगले दिन के 3, और मैं अब जाके मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मतलब कितने टाइम बाद। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, बाय बाय।